अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़िया। आज हम आप लोगों के लिए मैंगो मस्तानी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये रेसिपी को हम बग़ैर गैस जलाए, कोई मेहनत नहीं, हम 5 मिनट में इसको रेडी करेंगे और ये खाने में बहुत अच्छी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो घर में बच्चे बड़े सब खुश होकर खाएंगे। हमारे घर में मेहमान वगैरह आ जाएँ तो हम फटाफट ये रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आम लिए हैं, 3 है हमारा आम। ये दूध है, ये मलाई रबड़ी है, इसको हम बना के रखे हैं पहले से, और एक कस्टर्ड पाउडर है, और ये ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा हम कट करके रख लिए हैं। ये वनीला एसेंस है। मैंगो को हम कट कर लेंगे, छोटी बड़ी पीस कैसे भी, इसको तो हमको पीसना है। सारे मैंगो को हम ऐसे ही कट कर लेंगे, गुठली को हम साइड में रख देंगे। सारे मैंगो को हम ऐसे ही बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी देखने के लिए। हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड हुई है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को और भी कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे। और थोड़े आम को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, इसको हम डेकोरेट करेंगे। इससे सारे आम को हम कट कर लिए हैं, सारे आम को हम कट कर लिए हैं, ये हम छोटे छोटे पीस में कट किए हैं, इससे हम डेकोरेट करेंगे और इसको हम पीसेंगे जो हम बड़े पीस में कट कर किए हैं। सारे आम को हम मिक्सर ग्राइंडर में हम डालकर इसको हम पीस लेंगे। इसमें हम एक कटोरी शुगर डाल रहे हैं, ये 4 से 5 चम्मच शुगर है, और ये कस्टर्ड पाउडर है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका कोई कच्चापन नहीं लगेगा। आप एक बार बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा, कच्चापन बिल्कुल भी कस्टर्ड में नहीं लगेगा। अब ये हमारी घर की रबड़ी है, इसको हम रेडी किए थे पहले से, इसको हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास ना हो तो घर की जमी हुई मलाई ले सकते हैं दूध की, अगर वो ना हो तो आप अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और दूध हम एकदम ठंडा लिए हैं, पका हुआ दूध है हमारा, फ्रिज में हम पहले से रखे थे। अब इसको अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पिस गया है, इसमें कोई लम्स गुठली नहीं है। और आम हमारा बहुत मीठा है, आप अपने हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं, शक्कर ना रहे तो आप कैंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब इसको हम निकाल लेंगे जो हम पीस लिए थे आम को। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे जो हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिए थे आम को। ये मैंगो मस्तानी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब बहुत खाएंगे। आप पूरी गर्मी इंशाल्लाह बनाएंगे अगर एक बार बना लेंगे हमारे तरीके से तो। अब इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। ये रेसिपी 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।